हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये जो वीडियो है मैं सुबह सुबह बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ देर पहले मैंने जाके एक चैनल पे चेक किया तो वहां पे मेरी एक वीडियो अपलोड है और मेरी वो वीडियो 1 महीने पहले अपलोड हुई है। और ये जो था ना, मेरी आज मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की, उस पे आके एक मेरी फ्रेंड ने, यूट्यूबर फ्रेंड ने ही मेरे को बताया कि आपकी जो वीडियो है किसी अदर चैनल पे अपलोड हुई है। और इस चीज का मेरे को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि बट पता है वो वीडियो जो है 1 महीने पहले अपलोड की गई है उस चैनल पे। और उस चैनल पे जो वीडियो अपलोड की गई है ना, वो फर्स्ट वीडियो है मेरी और उस पे व्यू भी अच्छे आए हैं। एक्चुअली क्या था, उस वीडियो का व्यू मेरे चैनल पे भी बहुत अच्छा आया था और उस वीडियो को पूरा का पूरा कॉपी करके और थोड़ा सा स्टार्टिंग का मैंने जो बोला है ना, अपने चैनल का नाम लिया है, सब्सक्राइब करने को बोला है, ये सारी चीजों को कट करके और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और थोड़ा सा ट्यून्स वगैरह चेंज कर दिया है। और उसका जो टाइटल है वो भी बिल्कुल ही चेंज है। टाइटल जो मैंने डाला था ना, वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। टाइटल उसने बिल्कुल ही बेकार सा टाइटल उसने डाला है मेरी वीडियो अपलोड करके। और वहां पे मेरी ही एक वीडियो नहीं है, वहां पे अदर एक और यूट्यूबर है, उनकी भी वीडियो है। आप लोगों को क्या लगता है, किसी की वीडियो उठा के डाउनलोड करके तो आप अपने चैनल पे अपलोड कर दोगे और आपका चैनल ग्रो तो कर जाएगा आपका चैनल, बट जिसको पता चलता है ना कि किसी की वीडियो अपलोड है, वो स्ट्राइक जरूर देता है। और मैं और लोगों से बोलूंगी, आप लोग भी प्लीज उस चैनल को रिपोर्ट करो, ताकि वो चैनल जो है ना जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। अगर किसी, पता है, किसी की वीडियो ऐसे अपलोड करते हो, मेंटली डिस्टर्ब तो करते ही हो, और उसका कॉन्टेंट भी, अगर हमारे पास कंटेंट है तो कंटेंट अपना खुद का डालो ना, दूसरे का कंटेंट उठा के क्यों डाल दे रहे हो। वो हमारा कंटेंट, हमने बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाते हो और उठा के अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहे हो। अगर तुमको वीडियो डालना है, वीडियो अपलोड करना है, तो अपना कंटेंट बनाओ, खुद का कंटेंट बनाओ और अपलोड करो, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारा तुम वीडियो अपलोड करोगे तो हमें तो प्रॉब्लम होगी, हम रिपोर्ट करेंगे, हमें स्ट्राइक देंगे और आपका चैनल भी बंद हो जाएगा। और यूट्यूब पे ऐसा क्या है, अगर किसी की वीडियो अपलोड करते हो, स्ट्राइक देगा ही देगा। और आपने जो इतने सारे वीडियो डाल रखे हो चैनल पे, आपका खुद का एक भी वीडियो नहीं है, सारा का सारा कॉपी किया हुआ वीडियो है। और ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और आपका चैनल जो सोच रहे हो कि वर्स्ट टाइम आ जाए, व्यूज आ जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका चैनल बंद हो जाएगा। और मैं सब लोगों से बोलूंगी, यार प्लीज उस चैनल को रिपोर्ट करो, ताकि वो चैनल बंद हो जाए। और ऐसे अपनी खुद की वीडियो देख के ना, वाकई में बहुत ही बुरा लगता है कि किसी ने मेरी वीडियो उठा के और अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी ना। मेहनत कर करके हम वीडियो बनाते हैं और आप उठा के अपलोड कर दे रहे हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जो वीडियो आपने अपलोड की है ना, कॉपी करके उसको प्लीज डिलीट कर दो। मुझे नहीं लगता है कि आपके चैनल पे जितने भी वीडियो है ना, आपकी खुद की वीडियो है। मुझे ऐसा देख के लगता है कि जितनी भी वीडियो है वो सारा किसी ना किसी का कॉपी किया हुआ वीडियो है वो। और मेरी जो वीडियो है ना, वो स्कार्फ की वीडियो, सन रेज से कैसे अपने फेस को कवर कर सकते हो, अपने स्किन को बचा सकते हो, उस चीज को मैंने बोला है उस वीडियो में। और वो वीडियो का पूरा जो मेरी वॉयस है उसको कट किया गया है, अलग से ट्यून डाल के और उस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें स्टार्टिंग में मैं जो बोलती हूँ, अपने चैनल का नाम लेती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं। और एक्चुअली क्या है, मेरे चैनल पे वाटर मार्क भी मैं नहीं लगाई हूँ, जिससे मुझे पता चले, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरे को पता चला, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया उस वीडियो को अपलोड किए हुए। तो मैं अदर लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आप लोग ये गैंग वीडियो वगैरह बना रहे हो ना, उसको बंद करो, क्योंकि वो बहुत ही बेकार वीडियो है। और उसको पूरा का पूरा कॉपी करके आपकी वीडियो को कन्वर्ट करके कोई और ऐसे गलत तरीके से यूज कर सकता है। मैंने तो वैसी वीडियो नहीं बनाई है, बट जो वीडियो आप लोग बना रहे हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वैसी वीडियो मत बनाया करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा है। वीडियो पर जितने सब्सक्राइबर आते हैं और जितने आके रिक्वेस्ट करते हैं ना कि मैम ये बनाओ, ऐसी वीडियो बनाओ, वैसी वीडियो बनाओ, वो सारे सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, फेक होते हैं कि रिक्वेस्ट आ रही है, बट वो रिक्वेस्ट नहीं होता है। वो वीडियो इसलिए वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो वीडियो आपकी उठा के और गलत चैनल पे अपलोड करे। तो आप लोग जो जो भी वीडियो बना रहे हैं ना, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग ऐसे वीडियो बनाना छोड़ दो। आप लोगों को लगना चाहिए कि ये वीडियो जो है ना, वो गलत है, नहीं बनाना चाहिए ऐसी वीडियो। आपने जो भी मेरी वीडियो उठा के डाल रखी है ना, मैं आपसे लास्ट बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को डिलीट करो, ऐसे मेरी वीडियो मत डालो कॉपी करके। और ऐसे आप जो भी कर रहे हो, किसी की भी वीडियो उठा के डालना, ऐसे आपका चैनल बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। YouTube पे ऐसा रूल होना चाहिए कि अगर किसी की वीडियो अपलोड हो रही है तो उसको पता चल जाए, अगर किसी की वीडियो अपलोड होती है तो उसको पता चलना चाहिए कि हमारी वीडियो कहीं अपलोड हो रही है, ताकि हम जल्दी से जल्दी स्ट्राइक दे सके उसको और उसका चैनल बंद हो सके। और ऐसे तो कोई भी वीडियो हमारी उठा के और कोई भी कॉपी करके डाल देगा। हम एक वीडियो पे इतनी मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाने पे इतनी मेहनत करते हैं, एडिटिंग करने में इतना टाइम लगता है, अपलोडिंग में लगता है, बहुत मेहनत होती है एक वीडियो को अपलोड करने में और
किसी के लिए इतना इजी हो जाता है कि वो वीडियो को उठा के और थोड़ा सा एडिटिंग करके और अपलोड कर देता है, टाइटल कुछ और डाल देता है। और टाइटल जो है उसको भी मेरी वीडियो की जो टाइटल है ना वो भी पूरी की पूरी चेंज है। मैंने वैसा टाइटल बिल्कुल भी नहीं डाला है, मेरा जो टाइटल है बिल्कुल ही सिंपल है और उसने मेरी वीडियो की पूरी टाइटल चेंज कर दी है। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज 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 सब लोग आप लोग उस चैनल को रिपोर्ट करो ताकि वो चैनल बंद हो सके। और मैंने तो स्ट्राइक दे दिया उस चैनल को ताकि वो चैनल बंद हो जाए। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। और आप पता नहीं आज मैं ब्लॉग बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। एक ब्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ है जिसको मुझे एडिटिंग करना है और अपलोड करना है, बट ऐसी चीजें जब मैं देखी ना और सुनी तो वाकई में वीडियो बनाने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मन नहीं लग रहा है। बट हाँ, ऐसे मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ अपना वो कर रही हूँ। और मैं लाइव नहीं आ सकती थी इसलिए मैं लाइव आके मैंने नहीं बोला, मैं प्रॉपर इस पे वीडियो बनाई। सो ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और मैं डेली अपनी ब्लॉग्स अपलोड करती रहती हूँ तो प्लीज आप लोग मेरी ब्लॉग्स भी वॉच करें। थैंक यू सो मच।